नमस्कार, फिर से स्वागत है आपको टुडेज के हमारे इस न्यूज़ कार्यक्रम में। और आज हम फिर से हाजिर है हर रोज की तरह हरियाणा राज्य की 20 बड़ी खबरों को लेकर के। पुलवामा का जवाब, भारत ने पीओके में घुसकर के आतंकी कैंपों पर किया हमला, 1000 किलो बम भी बरसाए। कश्मीर में आतंकियों से लोहा लेते हुए शहीद हुआ हरियाणा का एक और लाल। हरियाणा ओपन स्कूल 10वीं और 12वीं क्लास की परीक्षा के एडमिट कार्ड जारी। वित्त मंत्री ने पेश किया 1.32 लाख करोड़ का बजट, नहीं लगाया कोई नया टैक्स, किसानों को मिलेगी पेंशन। पीओके पर जमकर के बरसे बम, ऐसे पीएम नरेंद्र मोदी की तारीफ कर रहा बॉलीवुड। हरियाणा पर 1,79,000 करोड़ का कर्ज, 18,000 करोड़ रुपए की हुई बढ़ोतरी। चंडीगढ़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट के काम में हो रही देरी से कोर्ट नाराज, अधिकारियों को लगाई फटकार। अब हरियाणा के गरीब सवर्णों को भी नौकरी में मिलेगा 10% आरक्षण, प्रदेश सरकार ने जारी की अधिसूचना। जैस के ठिकानों पर भारतीय वायुसेना का हमला, राहुल समेत कई नेताओं ने ट्वीट करके सेना को दी बधाई। हरियाणा में युवक ने रात को घर में घुसकर के छात्रा से किया दुष्कर्म, दोबारा हरकत करने लगा तो मां ने पकड़ा। जम्मू कश्मीर में जैश के 3 आतंकियों को ढेर करके शहीद हुआ भिवानी का लाल। हरियाणा में जबरन रिटायर किए जाएंगे ढीले ढाले अफसर और कर्मचारी। हरियाणा बजट 2019, नहरों के 2300 जर्जर पुल दोबारा बनेंगे। हर जिले में दूध की जाँच की बनेगी प्रयोगशालाएं। कांग्रेस रियासत करने के लिए चेहरा बनाती है, हम सेवा करने के लिए राजनीति करते हैं, कहा सीएम मनोहर लाल खट्टर ने। 200 करोड़ हो गए जारी, अब हरियाणा में मुफ्त होगी श्रमजीवी पेंशन, सरकार देगी अंशदान। रेवाड़ी में 9वीं की छात्रा ने प्रिंसिपल पर लगाए छेड़छाड़ के आरोप। राहुल बाबा से लिखा हुआ भाषण भी ठीक से नहीं पढ़ा जाता, कहा अमित शाह ने। फिरोजपुर के हुसैनी वाला हेड से पाकिस्तान को जाने वाला पानी बंद। बजट पर बोले पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा, कर्ज लिए जाओ घी पिए जाओ। ईटीवी हरियाणा पर वित्त मंत्री ने विपक्ष के आरोपों का दिया जवाब, कहा हमने वित्तीय प्रधान को सुधारा। और ये थी आज की अंतिम खबर, कल फिर आगे में कुछ अन्य खबरों को लेकर के। तब तक के लिए धन्यवाद, देखते रहे हमारा न्यूज़ कार्यक्रम। और अगर आप हमें यूट्यूब पर देख रहे तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और शेयर करें।